राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जिला परिषद हॉल बिलासपुर में बालिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल एस ब्रबिश ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान भी मौजूद रही। इस दौरान बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जानकारी दी गई। जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ लोगों को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसके चलते बेटियों को कम नहीं समझे। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें, ताकि बेटियां अभिभावकों अपने क्षेत्र का नाम चमका सके। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं सभी अपनी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और आज जिला परिषद कार्यालय में हमारे कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि आज के एडीसी मैडम रहे। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूं, उन्होंने कीमती समय निकालकर आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और इसमें गर्ल्स स्कूल की बच्चियों ने, मेरी छोटी बहनों ने भी पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए मैं उनको भी बधाई देती हूँ। और आज मैं कहना चाहती हूँ अपनी सभी बहनों को, बालिकाओं को, कि जो भी हमारे अधिकार हैं उनके लिए हमें लड़ना आना चाहिए। जो भी हमारे राइट्स हैं उन्हें हम कैसे हासिल करें उसका हमें पता होना चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बेटे की विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। इसके लिए भी हम सब उनके सदैव आभारी रहेंगे। और धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिनके द्वारा बेटियों के लिए बहुत सी स्कीम्स, बहुत सी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनका लाभ हम सब बहनें उठा रही हैं। और बहनों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप अच्छे मुकाम पर जाइए, ताकि हम सबका नाम, देश का नाम, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन हो। हमें अपने पैर पर स्टैंड होना चाहिए, हमें जो हमें उचित लगता है उसके मुताबिक ही हमें चलना चाहिए। जरूरी नहीं कि शिक्षा के मामले में ही हम आगे रहें, हम खेल प्रतियोगिताओं में भी, अन्य कार्यक्रमों में भी आगे रहेंगे, जिससे बेटियों का नाम रोशन होगा। आज का जो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये मुख्य रूप से मनाया जाता है कि हम अपनी बहनों को जागरूक करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ आज के ही दिन इस कार्यक्रम को महत्व दें। हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी चाहिए, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए, हमारी भाषण प्रतियोगिताएं हो गई। इस तरीके के कार्यक्रम यदि हम पंचायतों में भी करेंगे तो हमारा देश जागरूक होगा, जो बेटियों के अधिकार हैं उन्हें पूर्ण रूप से मिलेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।